गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, टूडेज टॉपिक इज आयुलर्स मेथड। सो इट इज़ अ सिंपलेस्ट वन स्टेप मेथड, सो इट हैज़ लिमिटेड एप्लीकेशन। सो वी हैव टू नोट दैट इन इन दिस मेथड वी हैव यूज ओनली फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ टेलर्स सीरीज मेथड। सो वी यूज ओनली द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द टेलर सीरीज मेथड। सो मीन्स जो हमारे पास टेलर सीरीज होती है या टेलर्स एक्सपेंशन होती है, उसके जो पहले टू टर्म्स होते हैं वही हम क्या करते हैं इस यूलर्स मेथड में यूज करते हैं। सो फर्स्ट टू जो टू टर्म्स है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी y इज इक्वल वाई एट एक्स नॉट एंड देन इट इज x माइनस एक्स नॉट, साथ में आएगा y डैश एट एक्स नॉट। सो इन ये दो टर्म्स लेंगे हम। सो हम कंसिडर करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो y डैश एक्स है वो किस तरीके से लिखी जाती है, f ऑफ एक्स वाई। सो यहां से हमारे पास क्या है विथ इनिशियल कंडीशन दैट y एट एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट। सो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो y डैश एट एक्स नॉट क्या बन जाएगा, यहां पे x की जगह पे आप क्या चेंज कर दोगे, एक्स नॉट लिखोगे, y की जगह पे क्या लिखना है हमने, वाई नॉट लिखना है। अब जो ये इक्वेशन थ्री है वही हमने किसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, इक्वेशन नंबर वन में करनी, कहां पे, इंस्टेड ऑफ जो हमारे पास ये टर्म दी हुई है y डैश एट एक्स नॉट। जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और हमें पता है कि x माइनस एक्स नॉट बेसिकली क्या होता है, दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द विड्थ। तो सो हम सिंपल लिख सकते हैं दैट इज एच। सो यहां पे हमने एच लिखा और बाकी सेम एज इट इज रही। सो इसी तरीके से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट, एक तरीके से फर्स्ट पॉइंट, दैट इज वी कैन से फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। सो वाई वन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। जब वाई टू निकालना है तो एक्स नॉट की जगह और एक्स वाई नॉट की जगह पे आपने एक्स वन और वाई वन लिखनी। सिमिलरली और यहाँ पे y नॉट की जगह पे y वन हो जाएगा। जब y टू निकालें y थ्री निकालेंगे तो यहाँ पे y टू हो जाएगा और अंदर भी टर्म्स चेंज हो जाएंगी। सो इन जनरल हम कह सकते हैं कि वाई एन प्लस वन दिस इज इक्वल टू एच टाइम्स दिस फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स एन वाई एन प्लस वाई एन। सो यही जो है इसी को हम क्या कहते हैं, यूलर्स मेथड। सो दिस मेथड स्टेट्स दैट बेसिकली न्यू वैल्यू इज इक्वल टू द ओल्ड वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन प्लस स्टेप साइज इन टू स्लोप। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो वाई एन प्लस वन है ये न्यू वैल्यू है, ये वाई एन क्या थी हमारे पास, जो ओल्ड वैल्यू मीन्स ओल्ड अप्रोक्सीमेशन, और ये एच हो गया स्टेप साइज हो जाएगा, और ये जो टर्म है हमारे पास दिस इज द स्लोप। सो एडवांटेज क्या है, नो नीड टू फाइंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें सबसे बेस्ट इसका एडवांटेज क्या है कि हम इसमें सिर्फ ओनली टू टर्म्स का यूज करते हैं सीरीज का, तो जो इससे हायर ऑर्डर टर्म्स होंगे उनका हमें यूज ही नहीं करना है। सो डिसएडवांटेज है कि दैट इसकी वजह से हमारे पास जो एरर्स होंगे वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं। सो लार्ज एरर्स आर प्रोड्यूस्ड। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज लेट y डैश इज इक्वल टू दिस टर्म, एंड ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन दी है और हमें एस्टिमेट करनी है वैल्यू y एट टू यूजिंग यूलर्स मेथड फॉर स्टेप साइज कितना दिया है 0.5 का। तो ये बहुत सिंपल है, हमें सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास गिवन क्या है। सो हमारे पास y डैश दिया है दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1, साथ में हमारे पास इनिशियल कंडीशन दी है वाई वन इज इक्वल टू टू, दिस इज द इनिशियल कंडीशन। दिस मीन्स जब हमारी x की वैल्यू 1 होगी तो y हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साथ में हमें क्या दिया हुआ है, h स्टेप साइज भी दिया हुआ है, h हमारे पास दिया है 0.5। सो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिवाइड x इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें वैल्यू किस पे निकालनी है, बाई 2। सो मीन्स x कितना है, 2 है। सो वी विल राइट डिवाइड x इज इक्वल टू 2 इंटू सब इंटरवल्स, इंटू सब इंटरवल्स ऑफ लेंथ, इंटरवल्स ऑफ लेंथ कितना, h कितना था हमारे पास, h हमारे पास था h इज इक्वल टू 0.5। सो हमारे पास जब हम इस x, ये जो ये x है 2 को, जो x इज इक्वल टू 2 है इसको जब हम ब्रेक करेंगे विद द साइज ऑफ 0.5 तो हमारे पास कैसी बन जाएगी वैल्यूज, हमारे पास बन जाएगी जैसे 1, फिर आगे बन जाएगा 1.5, देन इट विल बिकम 2। ठीक है, सो या ऐसे लिख सकते हैं 1.0, 1.5 एंड 2। सो यहां तक हमारे पास बन जाएगा। अब हम इस पे क्या करेंगे, यूलर्स जो मेथड है वो अप्लाई करेंगे, और यूलर्स फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यूलर्स फॉर्मूला होता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू वाई एन प्लस वन जो होता है वो होता है वाई एन प्लस स्टेप साइज इंटू दैट फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स एन और वाई एन। अब हमने क्या करना है, यही फॉर्मूला इधर अप्लाई करना है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालनी है, तो आई विल राइट हियर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को डिनोट कर सकते हैं हम किससे, वाई वन से, या आप लिख सकते हो। सो मैं लिखूंगी वाई एट वन, जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है दैट इज वाई एट वन, दिस इज इक्वल टू
2. Y at 1 is equal to 2. So this is the first approximation. So ये हमारे पास first approximation आ गई. इसी तरीके से अब हम क्या करनी है, हमने जैसे y at 1 पे value 2 आई, तो इसी तरीके से हमने जब अब हम second के लिए लेंगे, second approximation के लिए, तो हम कितने पे लेंगे, y at 1.5, वो किसके equal हो जाएगा, so वो this is equal to, ये हमारे पास आएगा 2 times, अब y n कितना है यहाँ पे 2, then step size कितना है 0.5, then हमारे पास function, function कितना था 3 times, अब हमने क्या करना है, x जो previous term थी, x कितना था 1 था, तो हम लिखेंगे 3 into 1 का square plus 1, ठीक है. सो मींस हमारे पास जो प्रीवियस टर्म थी, क्योंकि हमें कैसे लेना है मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, जब हमें y1 की वैल्यू निकालनी है तो n को कितना पुट करना है 0, तो ये बनेगा y1 is equal to y0 plus h into f of x0 comma y0. सिमिलरली जब y2 निकालना होगा तो ये बनेगा y1 plus h times f of x1 comma y1, मींस प्रीवियस टर्म की वैल्यूज लेनी है. सो वही चीज यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 4. इसी तरीके से हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, तो दैट इज वाई एट 2.0, दिस इज बिकम, अब यहां पे क्या बनेगा, ये पहले 2 था अब ये 4 बन जाएगा, तो मींस वाई ये जो टर्म थी, जो इससे प्रीवियस टर्म थी 4 प्लस 0.5, अब यहां पे क्या आ जाएगा 3 इंटू प्रीवियस टर्म की वैल्यू थी, मींस ये जो हमने 1.5, तो ये आएगा 1.5 का स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है. सो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.875. ओके, सो इस तरीके से आपने क्या करना है, क्योंकि हमें y at 2 पे वैल्यू निकालनी थी तो वो हमारी निकल चुकी है, दैट इज 7.875. सो दिस इज द आंसर. सो अगर मान के चलिए कि अगर हमने जैसे यहाँ पे स्टेप साइज 0.5 था, मान के चलिए अगर हम इसी एग्जांपल में जो h होता ये हमारे पास होता 0.25, मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे एरर इसमें लार्ज आ रहा है, मैं इसके लिए आपको ये समझा रही हूँ कि मान के चलिए कि अगर हमारे पास h 0.25 था, तो जो हमारा ये जो हमारे पास इंटरवल था ये और मतलब एक्सटेंड कर जाता, तो ये पहले हमारे पास 1 होता, फिर 1.25 होता, फिर 1.5 होता, फिर 1.75 होता, फिर जाके 2 होता, ठीक है. सो उस केस में क्या हो जाता कि जो y एट 2 पे जो वैल्यू आती ना, दैट विल बी 8.90626, ठीक है. सो ये इसको जब हम क्या करते, इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करते, जो ये अभी हमने इस मेथड से निकाली है, यहाँ से हमें लार्ज एरर मिल जाता. क्यों? क्योंकि ये यहाँ से क्या प्रोड्यूस करेगा, लार्ज एरर, उनका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी ह्यूज. सो यहां से हमारे पास ये टर्म आएगी विथ, ये हमारे पास आया जब h कितना था 0.25, और जब h 0.5 था तो y at 2 की वैल्यू हमारे पास आई थी 7.875. तो एरर अगर हमें फाइंड करना होगा यहां पे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये टर्म जो हमारे पास आई, दैट इज 8.90626 को माइनस करना 7.875, सो जिसके इक्वल, वो किसके इक्वल आ गया 1.03126. सो दिस मीन जो हमारे पास एरर आया दैट इज ह्यूज, मीन्स इतना डिफरेंस आ रहा है एरर का. सो इसलिए जो यहाँ पे जो हमारा ये जो स्टेप साइज है, इसमें हमेशा आपको मतलब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपको ध्यान देना है कि ये जो मेथड है यहाँ पे, इसकी ये एक डिसएडवांटेज है कि मीन्स ये एरर काफ़ी दे देता है. सो ग्राफिकली हम कैसे कह सकते हैं इसको, ये इसका ग्राफ बन गया, ये इसके पॉइंट्स है x नॉट x वन x टू, सो दिस ये इसके ऊपर टेंजेंट्स हैं, और ये इसमें देखिए कि यहाँ पे शो कर रहे हैं कि ये यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना एरर आ रहा है, उससे नेक्स्ट पॉइंट पे कितना एरर है, मीन्स एरर इंक्रीज कर रहा है. ये दिस इज बेसिकली एक्स वन वाई वन, दिस इज यूलर, ये जो ये है ये यूलर मेथड से है. सो दिस इज जो हमें नॉर्मल से हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू, एंड दिस इज द स्लोप. सो अब यहाँ पे कि हियर वी आर सपोज टू ड्रा a tangent or slope and go to a point x1. So हम यहां से क्या करते हैं, हम यहां पे draw करते हैं tangent, और किस point पे जाते हैं, इस x1 पे. So which is as distance apart. So ये basically x0 और x1 में जो आपस में difference है that will be x. Similarly x1 से x2 का जो difference है that is h. So the this point is understood as x1 y1 Euler. So means ये हमारे पास आ गया, ये वाला जो point है ये कौन सा आ गया, Euler method से, ठीक है. So by Euler method, but actually जो actual x1 y1 point था that was this point. So on this curve. So इन दोनों में आपको यहीं से समझ आ जाएगा कि दोनों जो है कितने एक दूसरे से apart है. तो means ये एक दूसरे से, ये इसके बीच में ये क्या आ गया, इसका error आ गया. So basically,
So we can say that, but actually x1, y1 on the curve is the actual point, as we are thinking that x1 is the solution. So this produces error in this method and so on. So ये जैसे हमने first two points के लिए किया, तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, error मिल जाता है. So अगर हम फिर से एक slope draw करेंगे, अब जो point कहाँ पे हम draw करें, इस x1 और y1 Euler पे जो है, और हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि अब x2 अगर इसका solution है, तो then हमें again क्या मिल जाएगा, similarly come to the point x2 and thinks that ये जो actual point कौन सा है, वो ये वाला point है. मगर actual point असल में कौन सा था, वो था basically x2 और y2 खाली. So वो जो कि मेन कर्व पे था. सो ये अगेन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा एरर को. सो इस केस ही दिस इज व्हाई कि जो बाय ग्राफिकली वी हैव शोन दैट दैट दिस मेथड प्रोड्यूसेस लार्ज एरर. सो नोट x2 इज आल्सो इक्विस्पेस्ड बाय x1 बाय h, एंड दिस डिनोट्स द पॉइंट बाय यूलर्स मेथड एट x1, एंड सिमिलरली दिस डिनोट्स द पॉइंट बाय यूलर्स मेथड एट x2. सो नेक्स्ट इज द एक्यूरेसी ऑफ दिस मेथड. सो बेसिकली जो एक्यूरेसी है वो अफेक्ट होती है बाय टू सोर्सेज से. एक होता है राउंड ऑफ एरर से, दूसरा होता है ट्रंकेशन एरर से. जो ट्रंकेशन एरर है ये भी टू टाइप्स के होते हैं, एक ये लोकली होता है और एक ये ग्लोबली होता है. सो जैसे हम जो लोकल एरर है वो जो प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉज्ड बाय नेग्लेक्टिंग दिस टर्म, दैट इज दिस इज द लोकल एरर जिसको हमने ये लिखा हुआ है इस तरीके से, ये फॉर्म ये एक्सप्रेशन है. सिमिलरली एट लीडिंग ऑर्डर एज एच इज स्मॉल, जैसे जैसे हमारे पास क्या होगा, एच क्या होगा, स्मॉल होगा, तो हमारे पास ये क्या होगा टर्म, ये जो आएगी उसकी ये वैल्यू आ जाएगी. सो सिमिलरली जब ग्लोबल एरर लिखेंगे वो क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल ऑफ देम, मींस इसका भी एड और इसका भी. सो मींस ये जो ई जो हमने लिखा है ई ग्लोबली, ये जो है ये सिंबल इज फॉर ई ग्लोबल. सो दिस इज इक्वल टू सी दैट इज आई फ्रॉम समीशन आई फ्रॉम 1 to n देन सी आई एच स्क्वायर. सो मींस ये सारे टर्म्स इंटू ये हमारे पास कितने आएंगे, n टर्म्स तक है, तो ये एन सी इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा. सो वेयर n इज द डिफरेंस बिटवीन दैट इंटरवल, सो b माइनस a डिवाइडेड बाई एच. सो यहां से हमारे पास मिल गया, सो c इज द सम ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्यूटेड एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट इज इक्वल टू a. सो दैट इज द एक्सट्रीमिटी ऑफ द इंटरवल. सो ये हमारे पास जब हमें अगर लोकल एरर फाइंड करना होगा तो उस केस में आपको ये चीज़ देखना है कि दैट हम ये बेसिकली लोकल एरर आई आता ही क्यों है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम नेग्लेक्ट करते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को, क्योंकि हमें पता है कि इस मेथड में सिर्फ टू फर्स्ट टू टर्म्स ही यूज होते हैं. सो सिमिलरली जब हम एट द लीडिंग ऑर्डर जब हम लेंगे तो एच इट शुड बी स्मॉल, देन हमारे पास सिर्फ ये टर्म आ जाएगी. इसी तरीके से ग्लोबली में हम जब डिफाइन करना होगा तो हमें इस फॉर्म से इस फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं. एक एग्जाम्पल है हमारे पास, कंप्यूट द एरर एस्टिमेट्स ऑफ दिस फंक्शन वेयर फॉर एच इज इक्वल टू 0.5 एंड हमारे पास इनिशियल कंडीशन भी दी हुई है. सो देखिए इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर हमारे पास एक्स नॉट कितना दिया है 1 दिया है, और वाई नॉट कितना दिया है 2 दिया हुआ है, ठीक है. एच कितना दिया है 0.5 दिया है, तो और हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है. सबसे पहले वाई डैश हमारे पास है 3x² + 1, हम क्या करेंगे इसको सक्सेसिवली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वाई डबल डैश जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 6 x, इसी तरीके से y ट्रिपल डैश इट विल बी 6. सो ये हमारे पास आ गया. सो y एट अगर हम y 1 निकालेंगे, y 1 पे कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, दैट विल बी y एट. सो जैसे y 1 इज इक्वल टू y एट 1.5, मींस 1 है और उसमें हमने ये स्टेप साइज ऐड किया दैट इज 1.5 पे, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 4. सो स्टेप फर्स्ट में जब हमें निकालना ट्रंकेशन एरर निकालना होगा तो उस केस में हमें क्या करना है, आप देखिए जैसे स्टेप फर्स्ट में जब हमें निकालना है ई दिस एट 1, दिस इज द एरर बेसिकली, वो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है वाई नॉट डबल डैश एच 2 डिवाइडेड बाई 2, सो मीन्स एच स्क्वेयर, देन सेकेंड टर्म विल बी क्यूब डिवाइडेड बाई मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड देन एच क्यूब डिवाइडेड बाई 6, 6 मीन्स 3 फैक्टोरियल बेसिकली. सो अब हमने इसमें जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, जो हमारे पास डबल डैश था दैट वाज 6, और ये आ जाएगा 6 at 1. वैल्यूज डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर लें आप, 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिमिलरली 6 by 6, इट विल बिकम 0.5 का क्यूब. सो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.875. सो ये एरर हमें मिला है एट फर्स्ट स्टेप पे, हमें ये एरर मिला है. सो दिस इज द एरर
एट फर्स्ट स्टेप. सिमिलरली जब हम स्टेप सेकेंड में करेंगे, जब स्टेप सेकेंड पे करेंगे तो ये होगा एरर एट स्टेप टू पे हमारे पास आ जाएगा. सो इट विल बिकम 6 × 1.5, देन इट विल बी 0.5² / 2. सिमिलरली 6/6 × 0.5 का होल क्यूब. यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1.25 आएगा, क्योंकि सबसे पहला था हमने 0.5 पे, मैंने इसका एरर करके देखा फर्स्ट स्टेप पे. सो जब हमने सेकेंड पे किया तो मीन्स 1.5 पे, जो यहाँ पे हमारे पास टर्म थी, दैट इज दिस टर्म, 1.5 पे, ठीक है. सो यहाँ पे जब करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.25. सो यहाँ पे हियर वी कैन राइट कि हियर हमारे पास x था 1.5, y1 था हमारे पास 4 के इक्वल. सो y2 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज y एट 2.0. सो वो वहां से उसकी वैल्यू आएगी, जब हम उसको सॉल्व करेंगे दैट विल बिकम 7.875. सो इधर से हमारे पास जो ग्लोबल एरर आएगा वो कितना आ जाएगा, सो ग्लोबल ट्रंकेशन एरर इज, ट्रंकेशन एरर इज, यहां से अगर हम फाइंड करना चाहें, सो दिस इज इक्वल टू e टाइम्स इन सबका सम, मींस e एट एरर एट फर्स्ट स्टेप प्लस एरर एट सेकेंड स्टेप. सो वो किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू ग्लोबल एरर, ठीक है. सो यहां से हमारे पास आ जाएगा 0.875 प्लस 1.25 और ये हमारे पास आ जाएगा 2.125. सो ये हमारे पास जो ग्लोबल एरर आ गया दैट इज 2.125. बट अगर एक्चुअल एरर हम देखें, जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन अगर हम देखेंगे, जो ये हमारे पास इक्वेशन है इसका अगर एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करना चाहें हम, सो वो बेसिकली क्या होगा, फंक्शन असल में क्या होगा, ये जो मेन इक्वेशन है वो होगी हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स, क्योंकि जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, वाई डैश निकालेंगे, वही हमारे पास आएगा 3x² + 1, जो कि हमारे पास मेन इक्वेशन गिवन है. सो अगर हम इसकी वैल्यू, मीन्स वाई एट एक्स दिस इज इक्वल टू वाई एट 1.5 पे निकालेंगे, इसकी वैल्यू 1.5 पे, वो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 4.875. सो यहां से हमें क्या क्लियर हो जाएगा कि जो y at 2 की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी. सो दिस मींस यहां से ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लार्ज एरर प्रोड्यूस कर रहा है. ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूस लार्ज एरर. सो मींस यहां पे देखिए जो ग्लोबल एरर था वो कितना आ रहा था, और जो एक्चुअल एरर है, जो मींस एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन का होगा, उससे जो एरर प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना आ रहा है.